नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है INT हिंदी टेक चैनल में। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं न्यू एक्स के सेविंग्स अकाउंट को ओपन करना। और यहाँ पर न्यू एक्स का सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो वह एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है जिसका पार्टनरशिप इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से किया जा रहा है। न्यू एक्स आपको 2-in-1 अकाउंट क्रिएट करने की अवसर प्रदान करती है जहाँ पर न्यू एक्स मनी अकाउंट भी खोल सकते हैं एक ही बार में और न्यू एक्स का सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं। न्यू एक्स अकाउंट है आपको 0% कमीशन के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड भी प्रदान करती है जो कि वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड देती है। यानी इंडिया के साथ साथ इस डेबिट कार्ड को आप इंडिया से बाहर इंटरनेशनल इस्तेमाल भी कर सकते हैं और UPI ID UPI से लिंक करने की भी सुविधा न्यू एक्स की तरफ से दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि न्यू एक्स का सेविंग्स अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। इसके सेविंग्स अकाउंट में जो भी आप पैसे रखेंगे उसमें आपको अप टू 7% की इंटरेस्ट रेट यानी 7% की इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू एक्स एप्लीकेशन का मैंने लिंक दे दिया है जिस पर क्लिक करके सीधे प्ले स्टोर से न्यू एक्स एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद कैसे उसमें अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधी प्ले स्टोर से आप न्यू एक्स एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन ओपन करना रहेगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर खोजे जाएंगे। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करिएगा जिससे आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नेक्स्ट करना रहेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। आप यहां पर OTP दर्ज करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएगा। बताया जाएगा कि क्या आप व्हाट्सएप पर अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पर अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो यस अलाउ पर क्लिक करें, नहीं तो मे बी लेटर पर क्लिक करें। उसके बाद आपको बोलेगा कि आप अपना जीमेल से यहां पर अपना ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करें और वेरीफाई करें। आप चाहे तो अपना जीमेल से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यूज अनदर ईमेल पर क्लिक करके आप यहां पर ईमेल एड्रेस खुद से मैन्युअली डाल सकते हैं। ईमेल पर भी OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहां पर OTP दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे योर 2-in-1 अकाउंट करके, जो कि आप देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले नियो मनी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए नियो मनी अकाउंट आप खोलते हैं ना तो 0% कमीशन के साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो एक ही बार में दोनों अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आपको दिक्कत परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप अपने पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर रेडी रखिए ताकि यहां पर अकाउंट खोल सके। पार्टनरशिप हो रखा है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। आपको स्टार्ट नियो मनी अकाउंट क्रिएशन पर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, एक्सेप्ट। और उसके बाद आपको अपना पैन डिटेल में पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद नीचे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। पैन के ऊपर जो नाम रहेगा वो आपका शो हो जाएगा। बस आपको यहां पर मिस्टर, मिस और मिस्ट्रेस बताया जाएगा, इसमें से कोई एक टाइटल को सिलेक्ट करनी है और यहां पर यस दिस इज मी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं न्यू मनी अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए फिर से आपको कंटिन्यू टू सेविंग्स अकाउंट क्रिएशन पर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर या फिर आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी दर्ज करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होंगे, लिंक होंगे, उस पर OTP आएगा UIDAI की तरफ से। आपको OTP दर्ज करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो नाम रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एड्रेस रहेगा, वो बता दिया जाएगा। बस आपको लोकेलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना लोकेशन, और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल की ऑप्शन आता है जहाँ पर आपका पैसा क्या है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एनुअल इनकम, सालाना इनकम कितना है वो इस प्रकार से दिखाए जाएंगे। इसमें से आपका जो भी सालाना इनकम रहेगा वो आप सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल की ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको अपना फादर्स का नाम, मदर्स का नाम डालना पड़ेगा।
अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। वर्थ प्लेस आपको यहाँ पर सर्च करके खुद से डालना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दिखाया जाएगा। देखिए आपका जो ये कम्युनिकेशन एड्रेस रहता है वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड वाला उठा लेंगे। अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, तो कंटिन्यू विथ सेलेक्टेड एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू एड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करके नया डाल सकते हैं। इसी एड्रेस पर इनका जो पर्सन रहेंगे, मतलब बैंक का जो भी पर्सन रहेगा, वो वेरिफिकेशन फुल केवाईसी के लिए आपके एड्रेस पर विजिट करेंगे और इसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड डिलीवर कराया जाएगा। तो आप यहां से एड्रेस को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करिए। उसके बाद नॉमिनी डिटेल ऐड करने की ऑप्शन है। देखिए अगर आप अभी नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करिए, अगर बाद में करना चाहते हैं तो लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन तो बाद में करने के लिए आपको एक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन फिर से आप नॉमिनी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो नॉमिनी आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके नॉमिनी का डिटेल एंटर करके, जैसे रिलेशन क्या है, नॉमिनी का नाम क्या है, क्या उम्र है, क्या एड्रेस है, वो डालकर नॉमिनी ऐड कर लीजिए। नहीं तो आप लेटर पर चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि नॉमिनी अभी ही ऐड कर लीजिए, वेटर रहेगा, बाद में कौन काटेगा इनके ब्रांच का चक्कर। चलो उसके बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तो नॉमिनी वगैरह ऐड करके या फिर लेटर करके, तो यहां पर आपका अकाउंट क्रिएट होने लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद आपके सामने आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी और जो आपका ब्रांच रहेगा वो यहां पर बता देगा। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकेंगे या फिर यहीं से शेयर कर सकेंगे। यहां पर आप लोगों को लाइफ टाइम फ्री प्लेटिनम वीजा कार्ड मिलते हैं, जिसमें दो डिजाइन उपलब्ध है। आप एक चाहे तो ग्रीन वाला ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा जो ब्लैक है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहां पर आप अपना डिजाइन को खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे करना है चलिए आगे बताते हैं। तो यहां से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी और ब्रांच बताया जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना रहेगा। जब आप कंटिन्यू करोगे तो यहां पर आपका फोन नंबर की यहां पर ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपका यहां पर फोन नंबर बताया जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहां पर आपके उस नंबर पर ओटीपी आएंगे, ओटीपी दर्ज करिए, उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करिए। आपको बोलेगा कि आप एक पासकोड को चूज कर लीजिए, चुन लीजिए, जो कि 6 डिजिट आपको खुद से पासकोड बना लेनी है। तो आप यहां पर पासकोड को चुनिए, उसके बाद नेक्स्ट करिए। फिर से आपको वही पासकोड दर्ज करनी है जो आप बनाते हैं, तो आप दर्ज करें और कंफर्म करें। कंफर्म करते ही आपका पासकोड जनरेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप यहीं से एक्टिवेट टच आईडी पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो डू इट लेटर पर क्लिक कर सकते हो। ये होता है फिंगरप्रिंट वाला, जो कि लॉगिन करने के समय आप फिंगरप्रिंट के मदद से लॉगिन कर सकेंगे। तो यहां पर एक्टिवेट टच आईडी कर लीजिएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, तो इसे एग्री करना रहेगा और एक ओटीपी भी जाएगा। तो ओटीपी आते ही ओटीपी दर्ज करिए और वेरीफाई बटन पर क्लिक करिए। कंग्रेचुलेशन, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। न्यू एक्स सेविंग्स अकाउंट भी आपका खुल चुका है। इसके साथ ही एप्लीकेशन में अब इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पासकोड जो 6 डिजिट का बनाए रहते हैं वो दर्ज करके कंफर्म करना होगा। कंफर्म करते ही आपके सामने इस प्रकार की होम स्क्रीन पर ही ऑप्शन आ जाएगा लिमिटेड ऑफर करके, जहां पर आपको फ्री में वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा। यहां पर 3 स्टेप बताया गया है। देखो आप यही से ऑर्डर वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर क्लिक करके वीजा कार्ड को ऑर्डर कर सकेंगे। अगर अभी ऑर्डर नहीं करना चाहते तो बाद में भी कर सकते हैं, नॉट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना कार्ड की डिजाइन को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद शेड्यूल ए फुल केवाईसी विजिट, यानी आपको फुल केवाईसी के लिए यहां पर शेड्यूल करना पड़ेगा। इनका जो भी अधिकारी रहेंगे, जो भी पर्सन रहेंगे, वो आपके एड्रेस पर आएंगे और वहीं पर फुल केवाईसी कंप्लीट करके जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको वो खुद से डेट और टाइम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डेट को आप घर पर मौजूद रहेंगे, जिस टाइम को मौजूद रहेंगे उस टाइम में इनके तरफ से एक पर्सन विजिट भेजा जाएगा और यहां पर फुल केवाईसी वो लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप अपने कार्ड की ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं और आपका कार्ड सक्सेसफुल डिलीवर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से न्यू एक्स सेविंग्स अकाउंट तुरंत आप खोल सकते हैं। यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है, फुल केवाईसी कंप्लीट, तो केवाईसी नॉट कंप्लीटेड बताया जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो यूपीआई आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप न्यू एक्स का सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि न्यू एक्स की सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलना होता है, ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें पैसे नहीं भी रखोगे फिर भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या फिर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की जो चार्जेस होती है वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में फ्री डेबिट कार्ड दिखाया जाता है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड पीरियड ऑफर बताया गया था, फ्री डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड बताया जाता है, तो जरूर मंगवा लीजिएगा। और फुल केवाईसी के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हीं का जो होंगे बैंक की तरफ से आएंगे, वो आपके एड्रेस पर फुल केवाईसी कंप्लीट करके जाएंगे। तो फाइनली इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।